यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए लिखें आप। द कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। ए और बी जो कंपोनेंट है वो एक प्रोडक्ट में यूज होते हैं। उस प्रोडक्ट का जो नॉर्मल यूज है वो 300 यूनिट है, मैक्सिमम 450, मिनिमम 150। रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है और रीऑर्डर पीरियड दे रखा है। हमें रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। तो फ्रेंड्स, हम इसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे, इसकी हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले पता है तो आप बड़ा इजीली कर लेंगे, अगर फॉर्मूले नहीं पता है तो आपको दिक्कत आएगी। ये आपका कंपोनेंट ये है, ये कंपोनेंट आपका बी है। इन्होंने आपसे चार चीजें पूछी हैं। एक पूछा है रीऑर्डर लेवल, दूसरा पूछा है आपसे मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल सॉरी, तीसरा पूछा है आपसे मैक्सिमम लेवल, और चौथी चीज पूछी है आपसे एवरेज स्टॉक लेवल। ये चार चीजें आपसे पूछी गई है। तो हम पहले बात करते हैं रीऑर्डर लेवल की। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये हमारा रीऑर्डर लेवल है। मिनिमम लेवल होता है ROL, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है ना। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। एंड एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय टू। और एक और फॉर्मूला यूज होता है इसमें, देखो कि दूसरा जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है मिनिमम लेवल प्लस वन हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ये दोनों से आंसर अलग आ सकता है, बट दोनों ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक करके आए। जैसे सपोज करो आपको मिनिमम लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी दी है, मैक्सिमम लेवल का आपके पास नहीं दिया है डाटा, रीऑर्डर लेवल नहीं दिया है, मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम, तो रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया है, तो आप ऐसा नहीं है कि एवरेज स्टॉक नहीं निकाल सकते। अब आप इस डाटा को प्लेस करें। जैसे पहले मैं रीऑर्डर लेवल निकाल रहा हूँ, तो रीऑर्डर लेवल का मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन है 400, ए में पीरियड है 6 मैक्सिमम और बी में है 4, तो 450 इंटू 6 ये 2700 आया, और 450 इंटू 4 ये आ गया 1800, ठीक है। अब मैं मिनिमम लेवल की बात कर रहा हूँ, तो ये 2700 माइनस और ये 1800 माइनस। अब एवरेज की बात करें तो एवरेज कंजम्पशन कितना आ रहा है, नॉर्मली आप देखिए 300 है, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड ए में 4 और 6 का एवरेज 5 आ जाएगा, तो 300 इंटू 5 ऐसे ही इसमें आ जाएगा 300 इंटू, इनका एवरेज कितना है 2 और 4 का एवरेज 3, तो ये आया 1200 और ये आया 900। अब तीसरा फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, तो एक ही रीऑर्डर क्वांटिटी तो है 2400 माइनस मिनिमम कंजम्पशन, तो मिनिमम कंजम्पशन कितना है 150 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4,
तो ये आ जाएगा हमारा 4500। इसका रीऑर्डर लेवल 1800 है, रीऑर्डर क्वांटिटी 3600 है, माइनस 150 इंटू 2, इसका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 2 है, तो ये आया हमारा 5100। मैक्सिमम लेवल आ गए, मिनिमम लेवल आ गए, तो एवरेज नहीं निकल सकता है। 4500 प्लस 1200 डिवाइडेड बाई 2, 2850। 5100 प्लस 900 डिवाइडेड बाई 2, 3000। और मिनिमम लेवल देख ले, और मिनिमम लेवल है हमारा कितना, 1200 प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, तो ये हमारा 2400 आएगा। एंड इसमें मिनिमम लेवल है 900 प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, इसकी रीऑर्डर क्वांटिटी 3600 थी, तो ये 2700 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेशन है। ये आई थिंक सो आपको क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं आएगा। चलिए, एक दो क्वेश्चन और होंगे इसी पैटर्न के, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।